वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड एनपीएसए हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉकस्टार्स के लिए है और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक और चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं मतलब एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को निपटा देंगे तो आज का हमारा चैप्टर क्या है इंडिया लोकेशन आपका फर्स्ट चैप्टर है ये एंड एंड बहुत इजी चैप्टर चैप्टर है है घबराना नहीं इससे इसी को आपने थोड़ा और आसान तरीके से क्लास नाइन्थ में कवर कर रखा तो होता क्या है क्लास सिलेवेंथ की एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी भाषा है तो अगर आप क्लास नाइन्थ के भी पहले चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वॉट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट ठीक है तो टेंशन मत लो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को एंड आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पूरे साल में तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आऊंगी चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक रिवाइज कराने हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर कुछ टर्म्स यूज होंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नदन हेमस्फेयर सदर्न हेमिसफेयर हालांकि हम ये छोटी क्लासेस में पढ़कर आए पर कहाँ याद रहता है ना तो मैं आपको बस दो मिनट में ये सारी चीजें रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये अपना प्यारा सा अर्थ है है ठीक एंड uh, को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करा है एक लाइन होता है जिसे हम कहते हैं लोंगिट्यूड तो लॉन्गिट्यूड इस डायरेक्शन में अरे यार हाँ इस डायरेक्शन में जाता है ऐसे ठीक है और एक लाइन होता है लैटिट्यूड लैटीट्यूड ऐसे जाते ठीक है अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो जैसे छोटे क्लासेस में एक ट्रिक होती थी हम ऐसे मानते थे कि लैटिट्यूड जो है ये लेटी हुई लाइन है तो हम इसे लैटिट्यूड कहते हैं और लॉन्गिट्यूड ऐसे लॉन्ग सी होती हैं तो हम इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ये क्लियर हो गया नेक्स्ट नदर्न सदर्न हेमिसफेयर ईस्टर्न हेमिसफेयर वेस्टर्न हेमिसफेयर ये क्या होता है जल्दी से रिवाइज करते हैं तो एक मिनट इसे मिटा देते हैं ठीक है चलो तो हमारे अर्थ के एकदम बीच में से एक लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं नदन हेमिस्फीयर। इक्वेटर के जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं अर्थ में ऐसे एक लाइन खींच दू तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बस ये टर्म्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए सबको याद आ गया कि हाँ यार छोटी क्लास में भी ऐसा कुछ पढ़ा था तो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं ओके चलो तो इस पूरे चैप्टर में इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स आपको बताए जा रहे हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है तो अगर हम इंडिया अपने कंट्री की बात करें तो हमारा जो जोग्राफिकल जो जो लैंड है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है ठीक है नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक गाना सुना ना आप लोगों ने कश्मीर में तू कन्याकुमारी तो वही ठीक है नॉर्थ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कन्याकुमारी पहुंचते ही हमारी सारी मतलब टेरिटोरियल पावर्स खत्म हो जाती है तो इंडिया के साथ क्या है हमारे टेरिटरी में ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास आ, टेरिटोरियल अथॉरिटी है टेरिटोरियल लिमिट है तो जहाँ पे हमारा कोस्ट का लाइन खत्म होता है ना जहां पे हमारा कोस स्टार्ट होता है वहां से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक और आगे जाओगे वहां तक भी हमारा टेरिटोरियल लिमिट ही है अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है नॉटिकल माइल्स बेसिकली एक यूनिट है जैसे डिस्टेंस के लिए यूनिट होते हैं ना मीटर किलोमीटर ऐसे तो 12 नॉटिकल माइल्स ये भी एक यूनिट है नॉर्मली सी में डिस्टेंस नापने के लिए हम नॉटिकल माइल्स को यूज करते हैं तो जैसे मान लो ये अपना इंडिया है ठीक है तो इंडिया में अगर आप यहां से और 12 नॉटिकल माइल्स तक भी जाओगे तो आपके पास ये हमारे टेरिटोरियल लिमिट में ही आता है अब 12 नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब होता है किलोमीटर में समझ लेते हैं हम लोग किलोमीटर को लेकर ज्यादा फैमिलियर है 21.9 किलोमीटर होता है नॉटिकल माइल्स का मतलब ठीक है 21.9 किलोमीटर होता है 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब चलो अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया अब इंडिया के एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझते हैं ठीक है तो लैटिट्यूड क्या है हमारा एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ एंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ ठीक है मतलब आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया है तो आपको ये ठीक है ये लैटिट्यूड्स का नंबर बता रखा है ठीक है नेक्स्ट हमारे लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तो ये हमारा इंडिया है आपको ये बता रखा है ठीक है ये लॉन्गिट्यूड आपको बता रखे ठीक है तो ये हमारे इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड हैं ये नंबर आपको याद होने चाहिए यहां से बन जाते हैं हमारे एम के क्वेश्चन ठीक है तो ये नंबर अच्छे से याद कर लेना अब अगर आप इन नंबर्स को देखोगे ठीक है अगर हम इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नंबर को देखें तो आपको दिखेगा कि लगभग लगभग इनमें थर्टी डिग्रीज का एक फर्क है है ना तो बस नॉर्मल मैथ्स लगाओ आप अगर माइनस करोगे थर्टी सेवन और इसे और नाइनटी सेवन और सिक्सटी एट को तो मतलब समवेयर अराउंड थर्टी एक नंबर आ रहा है, है ना तो हम ऐसा कहते हैं कि यार हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या है रफली थर्टी डिग्रीज का एक डिस्टेंस है ठीक है अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है ध्यान से सुनना डिग्रीज में तो 30 डिग्रीज का फर्क है है ना पर जब हम एक्चुअल डिस्टेंस नापते हैं ना तो डिस्टेंस में कुछ और आता है क्या होता है जब हम डिस्टेंस नापते हैं इंडिया में सो so नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारे इंडिया में 3214 किलोमीटर है ठीक है और जब हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक डिस्टेंस नापते हैं तो कितना डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर अब यहां पर हमें हो रहा है कंफ्यूजन कि यार लैटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड तो मिलते-जुलते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री तो डिस्टेंस में इतना बड़ा गैप क्यों है तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर डिस्कस करने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे ठीक है अक्सर पता है बच्चों को क्या लगता है कि जब हम लोंगिट्यूड की बात करते हैं तो लोंगिट्यूड ऐसे 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 होते हैं नहीं लोंगिट्यूड ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं होते लोंगिट्यूड नॉर्थ पोल में ऐसे मिल रहे होते हैं और नीचे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बढ़ रहे होते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड ठीक है तो अब लॉन्गिट्यूड के साथ क्या रहता है आप देखोगे पहले लैटिट्यूड डिस्कस करते हैं ठीक है लैटिट्यूड मतलब ये वाली लाइंस, ठीक है तो अगर आप एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच का फर्क देखोगे ना तो ये हर जगह सेम है यहां पर भी सेम फर्क यहां पर भी सेम डिस्टेंस 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 ठीक है तो लैटिट्यूड हर जगह सेम डिस्टेंस में होते हैं पर लॉन्गिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है दो लॉन्गिट्यूड उठा लेते हैं ये वाला और ये वाला अब देखो इन लॉन्गिट्यूड में यहां तो बहुत ज्यादा गैप है पर जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल के पास जा रहा है यहां तो बहुत ही टाइनी सा इतना सा गैप है ठीक है तो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस ना एक जगह से दूसरी जगह तक जाते जाते चेंज हो जाता है एंड इसी रीजन के वजह से जब हम अपने इंडिया में नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस नापने बैठते हैं तो डिस्टेंस में फर्क आ जाता है पर डिग्री में फर्क नहीं आता तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ठीक है डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा क्यों है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में रफली थर्टी डिग्री का गैप है पर जब हम एक्चुअल डिस्टेंस देखते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस तो कुछ अलग ही आता है तो आपको ये आंसर लिखना है ठीक है बेसिकली जो मैंने आपको डायग्राम तो क्योंकि लॉन्गिट्यूड long, uh, का डिस्टेंस प्लेस टू प्लेस वैरी करता है तो इसीलिए इंडिया के डिस्टेंस में भी हमें फर्क देखने को मिलता है, okay? cool है सबको इतना आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट इंडिया के बारे में आपको थोड़ी और चीजें बता रखी है हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ना वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है है मतलब ट्रॉपिक्स एरिया में आता है। और हमारे इंडिया का जो नदर पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है अगर नहीं आया समझ टेंशन मतलब इसलिए आज मैं इस चैप्टर में बहुत सारे मैप लेकर आई हूं ठीक है तो यहां पर जाओ ठीक है आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहां पे हमारा इंडिया है ये इंडिया है यहां पे ठीक है है तो इंडिया का ये जो पार्ट ना ये कौन से जोन में आ रहा है ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है है और इंडिया का जो पार्ट ये वाला ये आ रहा है सब ट्रॉपिकल जोन में बस इतनी सी चीज आपको थियोरी में लिख कर बता रखी है ठीक है कि सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल जोन में है नदन पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन में है ठीक है नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं इसी वजह से क्योंकि हमारा सदन और नदन पार्ट अलग अलग जोन में पड़ता है इसी वजह से आप देखोगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है अब इस डाइवर्सिटी को हम हल्का सा डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में अलग अलग नदियां हैं अलग अलग माउंटेन्स हैं ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आपको बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है हमारे इंडिया में टाइम डिफरेंस भी आता है ठीक है कैसे ठीक है नारूटो हमारा चला गया अरुणाचल प्रदेश और सासके हमारा गुजरात में ठीक है इन दोनों ने एक दूसरे को वीडियो कॉल करा ठीक है तो जब वीडियो कॉल करा तो नारूटो ने बोला कि भाई यहाँ तो सनराइज हो रहा है ठीक है सासके ने बोला कि नहीं यार गुजरात में तो सनराइज नहीं हो रहा तो इन दोनों ने दिमाग लगाया कि मतलब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों एरियाज में टाइम का डिफरेंस है तो इन दोनों ने अपने वॉच को देखा पर वॉच में इन दोनों के सेम टाइम हो रहा था तो ऐसा क्यों होता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में आ, अगर आप एक्चुअल टाइम निकालोगे ना तो टू आवर्स का एक फर्क होता है पर अगर आप दोनों एरिया में जाके क्लॉक को देखोगे वॉच को देखोगे तो सेम टाइम होता है इसका क्या रीजन है ठीक है और इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला है वो डिस्कस करते हैं रीजन तो इसका ये है कि हमारी बहुत वास्ट कंट्री है तो अलग अलग टाइम जोन आ रहे हैं ठीक है और हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है इसका है कि हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया है ठीक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमने देखा कि इंडिया के बीच में से कौन सा लॉन्गिट्यूड जा रहा है ठीक है एंड इस लॉन्गिट्यूड में जो टाइम हो रहा होता है ना इसी टाइम को हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं ऐसा हमने इसीलिए तो, तो अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा ये जो लाइन है ये कहां से पास होता है तो यूपी में मिर्जापुर से ये पास होता है इसके अलावा और भी स्टेट से ये लाइन पास हो रही है ध्यान से देखो मैं आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट और क्या बताया जा रहा है आपको इंडिया में तो देखो हमारे लिए ये वर्कआउट कर गया कि हमने पूरे कंट्री का एक ही टाइम जोन रखा है ना पर कुछ कंट्री इतनी बड़ी होती हैं कि वो चाह कर भी एक टाइम जोन नहीं रख पाती इसका एक एग्जाम्पल है यूएसए यूएसए में क्या है यूएसए में सात सेवन

कौन से स्टेट्स में से पास हो रहा है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यार ये, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से से पास हो रहा है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है तो इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इन स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है Cool यहाँ तक अब हम इंडिया के साइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ठीक है कितनी बड़ी कंट्री है हमारी थोड़ा डेटा देख लेते हैं तो साइज डिस्कस करते हैं इंडिया का तो अगर आप इंडिया का पूरा लैंडमार्क देखोगे तो इंडिया का एरिया कितना है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक इंडिया का साइज है ये नंबर हमें याद रखना है ठीक है पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का 2.4 परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया ठीक है तो पूरे वर्ल्ड में जितना ज्योग्राफिकल एरिया उसमें से 2.4 हिस्सा हमारे इंडिया की जमीन है नेक्स्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ये आपको याद रखना है तो अगर इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो फर्स्ट लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ये सब कौन सी कंट्रीज हैं अभी मैं डिस्कस करूंगी और ये क्वेश्चन आपके एनसीआरटी में भी पूछ रखा है कि यार बता दो आ, इंडिया अगर सेवेंथ है तो बाकी इंडिया से ऊपर कौन सी कंट्री है साइज के मामले में तो अभी हम मैप में देखेंगे पर याद रखना इन कंट्रीज का नाम याद रखने के लिए ट्रिक है और इस ट्रिक को कहते हैं रुकूबाई ठीक है तो आर सी यू सी बी ए आई क्या मतलब है इसका अभी आपको अगर आप मैप देखोगे तो समझ आ जाएगा तो ये हमारे वर्ल्ड की टॉप टेन लार्जेस्ट कंट्री है ठीक है यहां पे अपना प्यारा इंडिया जो सेवेंथ रैंक पर है इंडिया के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देखते हैं फर्स्ट रैंक पे है रशिया ये रहा सेकंड रैंक पे है अपना कनाडा, ये रहा। थर्ड है अपना यूएसए ये रहा फोर्थ है चाइना ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ क्या है ब्राजील और सिक्स क्या है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से यहां नीचे आ जाओ ऑस्ट्रेलिया और फिर सेवेंथ हमारा है इंडिया ठीक है तो इन कंट्रीज का नाम याद करने का ही ट्रिक है रुकू भाई ठीक है यहाँ पे आपको बाकी सेवेंथ तक तो इंडिया है अब देख ही रहे हैं तो टॉप टेन देख लेते हैं तो अर्जेंटीना कजाकिस्तान और अल्जीरिया अर्जेंटीना कजाकिस्तान और अल्जीरिया ये भी टॉप टेन में आते हैं ठीक है चलो तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं बच्चों टॉप टेन लार्जेस्ट कंट्री का तो मैंने बता दिया है स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखती हूं तो हाँ कमेंट जरूर करना अगर आपको आंसर पता है तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक uh, देखते हैं ठीक है तो अब आपको बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो हमारे कंट्री में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी है ठीक है इस डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बहुत सारी नदियां भी हैं इंडिया में जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी जैसी बहुत बढ़िया नदियां भी हैं हमारे इंडिया में और हमारे इंडिया में मरुस्थली भी है मतलब काफी सारे डेजर्ट्स भी हैं डेजर्ट के ही एक रीजन को मरुस्थली कहा जाता है जहाँ पे ज्यादा फर्टिलिटी वगैरह नहीं होती ठीक है तो हाँ डेजर्ट्स भी है माउंटेन्स भी हैं और हमारे इंडिया में रिवर भी है रिवर्स को हम थोड़ा इस मैप से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा तापी ये सब हमारे इंडिया के कुछ मेजर रिवर्स हैं अभी के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ लो जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ोगे आपको इन डिटेल इन रिवर्स के बारे में बताया जाएगा ठीक है तो ये हमारे कंट्री के मेजर रिवर्स हैं नेक्स्ट माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ में तो सबको पता है नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं ठीक है अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे ठीक है नॉर्थ वेस्ट समझते हो मतलब नॉर्थ में ही वेस्ट वाले रीजन में चले जाओगे तो वहां पे हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आपको पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट अगर आप इंडिया में एकदम साउथ में चले जाओ तो नीचे की तरफ क्या है इंडियन ओशन है अब ये जो पूरा रीजन है हमारी इंडिया के अराउंड इस रीजन को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं ठीक है अभी इस टॉपिक पे थोड़ा होल्ड करो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या होता है मैं आगे जाकर अभी दो तीन मिनट में मैप के साथ समझा दूंगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या होता है अभी माउंटेन से रिलेटेड पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं ठीक है तो माउंटेन में ना पासेस होते हैं क्या मतलब होता है पासेस का तो देखो आज के टाइम पे मुझे माउंटेन पार करना हो तो बहुत आसान काम है है ना हम लोग फ्लाइट हेलीकॉप्टर इन सब से आसानी से माउंटेन्स को पार कर सकते हैं बहुत पहले के टाइम पे लोग माउंटेन कैसे पार करते होंगे तो मान लो ये दो माउंटेन है ठीक है तो अगर किसी को माउंटेन के उस पार जाना हो तो यहां से तो यार चढ़ के दूसरी पार जाना ये तो बहुत बड़ा टास्क है तो इसका एक जोग्राफिकल सोल्यूशन है एक नेचुरल सोल्यूशन है दो माउंटेन्स जब मिलते हैं ना तो बीच में ये वाला जो रीजन बनता है ठीक है इस रीजन को हम कहते हैं पास तो अगर किसी को ट्रैवल करना हो माउंटेन पार करना हो तो लोग पास से ट्रैवल करते हैं ठीक है तो आपको कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे माउंटेन पासेस भी हैं एंड आपको कुछ मेजर माउंटेन पासेस का नाम भी बता रखा है ठीक है जैसे बोलान शिपकिला नाथुला ठीक है ये सब हमारी मेजर अगर आप पास को थोड़ा इन डिटेल समझना चाहते हो तो मैं एक मैप भी लेकर आई हूँ आराम से वीडियो को पॉज करके आप इस मैप को देखो तो अभी पढ़ा ना शिपकिला पास ये यहां पर पड़ता है शिपकिला पास ठीक है चलो नेक्स्ट एक और मैप है मेरे पास तो अभी हमने पढ़ा नाथुला येरा नाथुला तो कुछ मेजर पासिस यहाँ पर इस मैप में मार्क हो रखे हैं तो अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि ये पैसेज है कहा तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन पैसेज को देख सकते हो चलो अब हाँ मैंने आपसे कहा था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट होता क्या है इस टॉपिक पे हल्का सा होल्ड करो अभी मैं समझाऊंगी तो चलो वो बारी आ गई है समझते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या होता है तो इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं इन सारे कंट्रीज को साथ में इस जोग्राफिकल एरिया को साथ में हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं तो इंडियन सब में आ जाता है हमारा पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश ठीक है नीचे ये श्रीलंका मालदीव्स इस पूरे रीजन को हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं जोग्राफी में इतना ही था बस ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा और डेटा देखते हैं ठीक है देखो इस चैप्टर में ना मेनली खेल ही ये है कि आपको इंडिया का मैप अच्छे से पता होना चाहिए तो अगर आपको लग रहा है कि नाइन टेंथ में उतना दिल से मैप को नहीं देखा तो कोई बात नहीं अभी आप मैप को एकदम दिल से देखने बैठ जाओ आपको समझ आ जाएगा ये पूरा चैप्टर बस मैप का खेल है मैप अगर आपने दिल से देख लिया तो आपको सब समझ आ जाएगा चलो तो इसे मैं थोड़ा हटा देती हूँ है ना चलो क्या कह रहे हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में बता रहे हैं कोस्ट लाइन मतलब वो हिस्सा जो पानी को टच करता है जैसे ये पूरा हमारा कोस्ट लाइन है इसके अलावा हमारे पास दो अपनी खुद के आइलैंड्स भी हैं लक्षद्वीप और अंदमान एंड निकोबार तो यहाँ पर भी कोस्ट लाइन है। तो टोटल हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है 7516.6 किलोमीटर ये दो नंबर्स याद कर लेना तुम्हें लग रहा होगा दीदी यही बोले जा रही है ये नंबर याद कर लेना वो नंबर याद कर लेना तो हाँ यार इसमें है थोड़ा डेटा याद करने का है पर हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से तो प्लीज आप लोग याद कर लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिया के नेबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो इंडिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं वैसे तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई दिया था फिर भी थोड़ा और इन डिटेल समझते हैं तो इंडिया के आसपास है अपना ठीक है अपने इंडिया के आसपास क्या है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है चाइना नेपाल भूटान म्यांमार और बांग्लादेश अभी मैप में देखेंगे टेंशन नहीं लेना ठीक है इसके अलावा हमारे पास दो आइलैंड नेबर्स भी हैं ठीक है तो एक तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है मालदीव और श्रीलंका चलो तो मैप आ गया जल्दी से अपने नेबर्स को देखते हैं ये पाकिस्तान ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत टाइनी सा बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं चाइना नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश अच्छा ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद हम लोग पाकिस्तान के साथ सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं पर ये सच नहीं है हमारी लार्जेस्ट बाउंड्री हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं मैप को देखकर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये जो तो, ये जो सारी लाइनें हैं वो थोड़ी ऐसी जिग्जैक सी हैं कर्वी सी हैं ठीक है पर हाँ बांग्लादेश के साथ हम लोग अपने लार्जेस्ट बाउंड्री को शेयर करते हैं इसके अलावा दो आइलैंड नेबर्स भी हम है हमारे श्रीलंका और मालदीव्स ठीक है क्लियर हो गया नेबर्स का कॉन्सेप्ट अब श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ठीक तो है तो इंडिया और श्रीलंका कैसे सेपरेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या आता है दो चीजें आती है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है तो ये इंडिया है ये श्रीलंका है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक सेपरेशन आता है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं एंड गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है अभी मैप में पूरा दिख नहीं रहा है पर मतलब ये लक्षद्वीप है लक्षद्वीप से अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये मालदीव आ जाएगा ठीक है तो ये श्रीलंका के दो सेपरेशन याद रखना स्ट्रेट और गल्फ और मन्नार. अब स्ट्रेट होता क्या है और गल्फ होता क्या है वो समझते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि स्ट्रेट और गल्फ में डिफरेंस क्या है तो वो समझ लेते हैं स्ट्रेट हम कहते हैं जब दो वॉटर बॉडीज बहुत बड़ी वाटर बॉडी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है कनेक्शन हो तो हम उसे स्ट्रेट कहते हैं यहां पर भी बहुत सारा पानी वहां पर भी बहुत सारा पानी बीच में एक पतला सा कनेक्शन इसको हम कहते हैं स्ट्रेट कूल है स्ट्रेट क्लियर हो गया गल्फ क्या होता है वो देखते हैं ठीक है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम गल्फ कहते हैं तो कभी कभी समुद्र का पानी ऐसे जमीन के पास आ जाता है ठीक है जमीन के ऐसे अंदर आ जाता है एंड ऐसे में क्या होता है ये जो पानी है ये ज्यादातर एरिया से जमीन से घिर जाता है ठीक है मतलब ऐसे पूरा ये जमीन से घिरा हुआ है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम गल्फ कहते हैं तो ये गल्फ और स्ट्रेट के बीच का डिफरेंस है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस टाइप के छोटे छोटे डायग्राम्स भी बना सकते हो आपको बहुत ईजिली टीचर्स मार्क्स दे देंगे ये देखकर डायग्राम्स को देखकर ठीक है चलो लास्ट चीज आपसे क्वेश्चन पूछ रखी है इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं आप लोग ध्यान से सुनो डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज अन्स हिंड्रंस इन इंटरक्शन विद आर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं ठीक है जैसे माउंटेन्स हो गए क्या इन माउंटेन्स और अलग अलग ज्योग्राफिकल वजह से आज के टाइम पे हम बाकी कंट्रीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्या हमें दिक्कत आ रही है कनेक्ट करने में तो देखो वैसे तो आंसर है कि हाँ, वगैरह होते हैं तो हिंड्रेंस तो आता है पर क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है इस हिंड्रेंस का यहाँ पे आपसे बोला है कि कुछ एग्जाम्पल देकर समझाओ कि इन हिंड्रेंस को सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या हमारे पास तो बिल्कुल है आजकल हम लोग मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा है तो अगर मुझे माउंटेन पार करना हो तो मैं बहुत इजीली एयरप्लेन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू माउंटेन्स पार कर लूंगी तो मॉडर्न टाइम्स में क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हम इन बैरियर्स को आराम से पार कर सकते हैं ठीक है चलो इसी के साथ कन्फेटी टाइम है कन्फेटी टाइम मतलब फाइनली हमारा चैप्टर uh, फिनिश हो गया तो यार ताली वाली बजाओ गुड जॉब तुम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतने ध्यान से सुना चैप्टर फिनिश हो गया पर कहीं भागो मत अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विथ तो उस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ देम ज्योग्राफी में वॉट की भी बात होती है वेयर की भी बात होती है वाई की भी बात होती है तो ऑल ऑफ देम राइट आंसर है जिन भी बच्चों ने फास्टेस्ट आंसर दिया उनके लिए अभी हम लोग ताली वाली बजाएंगे ठीक है तो काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया था पर जिन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया उनका नाम मैं लेकर आई हूं आज की क्लास में तो था और प्रणय खुशी साजिद बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी सब लोग क्लैपिंग कर दो इनके लिए ओम प्रकाश कार्तिक आ, एलन वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड जॉब चलो तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं एंड जो भी बच्चे इस क्लास में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो जो बच्चे नीचे कॉमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सही आंसर देंगे उनके लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी तो आज का क्वेश्चन क्या है जो नदन पार्ट है इंडिया का वो कौन से जोन में आता है ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट जोन सब ट्रॉपिकल जोन या इक्वेटोरियल जोन जल्दी से जिसको भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बता दो चलो तो ये तो थी हमारी रिकॉर्डेड क्लास अगर आप कभी मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा आज के क्लास में आ, आज नौ बजे आना अकेडमी के ऐप में हम लोग क्लास इलेवेंथ वर्सेज क्लास ट्वेल्थ भी कर रहे हैं उसका लिंक भी इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में है तो जरूर आना आप लोग उस क्लास में एंड uh, हाँ अगर आपको कम्युनिटी में नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अब ये चैप्टर खत्म हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स में आपको टेलीग्राम पर ही भेजूंगी और जब भी मेरी क्लासेस होती है उन क्लासेस का अप, अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही देती हूँ आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड तरीके से ह्यूमैनिटीज के बैचेस स्टार्ट करे हैं क्लास 11, क्लास और के तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ तो इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करना मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है अनुष्या ठीक है तो आना अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है अगर तुम कोड डालोगे अनुष्या तो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे चलो स्टूडेंट्स तो मेनली आज के क्लास में मुझे आप लोगों को इतना ही कराना था अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लास में साथ शेयर करो सो दैट्स इट फॉर टुडे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू